पुरानी चीज़ों का मेकओवर। मेकओवर करने से चीज़ों में एक नयापन आता है, मजबूती आती है और हमें देखने में भी कुछ अलग लगता है। मेरे पास ये बहुत दिनों से इस तरह की चौकी रखी हुई थी, या पीढ़ा बोल लीजिए। इसे मैंने सबसे पहले व्हाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया है। एक्रेलिक कलर सूखते ही सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पार्ट निकाला। इस पे मुझे मिरर वर्क करना है, तो मिरर के लिए मैंने राउंडर की हेल्प से पहले एक राउंड बना लिया और उसके अगल बगल जो मुझे तरह तरह के डिफरेंट मिरर लगाने थे सबका एक मैंने डिज़ाइन बना लिया। डिज़ाइन कैसी होगी ये तो अपने पसंद पे डिपेंड करता है, ये अपने आइडिया से और अलग तरह का भी डिज़ाइन तैयार हो सकता है। जो मिरर मैंने लगा के डिज़ाइन बनाए थे उनको एक एक करके उठाई और फेविकॉल की हेल्प से चिपकाती चली गई। क्योंकि डिज़ाइन पहले से बनी हुई थी तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, सिर्फ मिरर उठाती और चिपका देती। लगाना मेहनत का काम नहीं है, पर एक एक करके मिरर को चिपकाने में कुछ समय लगता है और इसे सूखने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छे से सूखेगी नहीं इसके लिए चेक करने के लिए मैं इसको थोड़ा हिला ली, क्योंकि जो मिरर नहीं चिपके रहेंगे वो आसानी से गिर जाएंगे। एशियन पेंट की ये वॉल उट्टी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, इसके मैंने एक पेस्ट की तरह तैयार कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये आगे आपको पता चल जाएगा। अब इसमें अपने पसंद की कोई भी एक्रेलिक कलर डालने से वो उसी कलर में चेंज हो जाती है, पर मैं सिर्फ एक गलती कर दी कि मुझे जैसा कलर चाहिए था ये जब गीला था तो डार्क दिखाई दे रहा था, पर सूखने के बाद ये थोड़ा लाइट हो गया। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दें कि जो कलर आपको चाहिए उससे एक सेट डार्क करें, ताकि सूखने के बाद ये ओरिजिनल आपको जो कलर चाहिए था उसमें आ जाए। आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, और एक पुराने विजिटिंग कार्ड की हेल्प से मैंने इसे चारों तरफ फैला दिया। पुट्टी फैलाते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी हिस्सा खाली ना रह जाए, एकदम आराम से हर तरफ भरते हुए इस पट्टी को लगा देना है। चौकी के अगल बगल का साइड भी जो बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था उस जगह पर भी मैंने ये पुट्टी लगा दिया। रात भर इस पुट्टी को मैं सूखने के लिए छोड़ दी थी, सुबह ये सूख गीले कपड़े से भी मिरर का एजेस क्लीन हो सकता था, पर मैं जब बटर नाइफ का यूज़ की तो ये काम थोड़ा जल्दी हो गया। बहुत ही सुंदर सी चौकी बनकर तैयार हो गई। मल्टीपर्पज़ तरीके से इस चौकी का यूज़ हो सकता है, या तो पूजा के जगह पे इसको चौकी की तरह यूज़ कर सकते हैं, या घर पे डेकोर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये आइडिया यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। बचे हुए वॉल पुट्टी को भी मैंने बर्बाद नहीं होने दिया, एक कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मैंने इसे लगा दिया। अब एक ईयरबड को रेड एक्रेलिक कलर के अंदर डुबाई और इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बनाती गई। डॉट्स को मैं पूरे डब्बे के ऊपर रैंडमली बनाती चली गई और इसके कॉर्नर पे पतली सी ग्रीन लाइन मैंने बना दी, और जब इसके ऊपर मैंने फ्लावर रखा तो एक बहुत अच्छा सा फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया। पर इसका यूज़ भी हम मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं। अभी तो एक बार मैं आपको फ्लावर रख के दिखा रही हूँ, और जब फ्लावर पॉट से मन भर जाए तो इसका यूज़ हम स्टोरेज बॉक्स की तरह कर सकते हैं। मेरे ड्रॉअर में इस तरह के काफ़ी इलेक्ट्रिक वायर और चार्जर रखे हुए थे, इन सबको मैंने इसके अंदर रखा। ये सभी एक जगह इकट्ठे भी हो गए और ये डब्बा देखने में भी सुंदर लगने लगा। तीसरा जो मैं कार्डबोर्ड बॉक्स की ऑर्गेनाइज़र बना रही थी, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो मुझे लगा कि चलो पहले ट्राई करते हैं, यदि बन जाता है तो ठीक है, यदि नहीं बने तो ऑनलाइन तो मिलते ही हैं। तो इस डब्बे के अगल बगल जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड था उसे मैंने काट के हटा दिया, और इसके बीच का हिस्सा थोड़ा खुला हुआ था तो फेविकॉल की हेल्प से मैंने उसे चिपका दिया और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया ताकि वो जल्दी चिपक जाए। ऊपर के कवर को काटने के बाद चार कार्डबोर्ड का बड़ा बड़ा टुकड़ा निकला, इसे भी मैं अंदर के मेजरमेंट के हिसाब से काट ली। अब लंबे लंबे कार्डबोर्ड के कटे हुए टुकड़ों को मैंने पहले न्यूज़पेपर से रैप कर लिया ताकि उसमें थोड़ी सी और मजबूती आ जाए। बॉक्स में अंदर के निचले वाले हिस्से पे भी मैं न्यूज़पेपर चिपका दी। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे ऐड के पेपर आते हैं जो न्यूज़पेपर के कंपेयर में मोटे होते हैं और शाइनी भी होते हैं। अब जिन टुकड़ों को मैंने काटा था इसके अंदर डाल के मेज़र कर ले रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक तरह से अट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जब तक बिल्कुल फिटिंग के नहीं होंगे तो ये फिर गिरेंगे। जब मैं इसको लगा के चेक की तो बहुत अच्छी तरह से फिट हो रहे थे, इतने फिट थे कि इसमें फेविकॉल लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।
बाहर से बॉक्स अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसके ऊपर मैं एक्रेलिक वाइट कलर से पेंट कर दी। फिर इसके ऊपर मैंने स्काई ब्लू कलर से पेंट कर दिया और अंदर के जो कार्डबोर्ड के टुकड़े थे उसे मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर लिया है। लंबे वाले कार्डबोर्ड का टुकड़ा तो आसानी से आ गया, पर जो छोटा था उसे कैंची से काट के लंबे वाले के अंदर अच्छा से मैं फिट कर दी। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाने का मेरा पर्पस क्या था ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को जब मैं इकट्ठा रखी थी तो एकदम मिक्स हो जाता था, तो मुझे इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखने वाला एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में सीधा सीधा सामान रखने से काफ़ी स्पेस बचता है और सब तैयार होते वक्त आसानी से दिखाई देता है। जब मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखी तो देखिए कितना अच्छा ही दिखाई दे रहा था और काफ़ी स्पेस बच गया था।